हेलो, वेलकम इन माय चैनल टेस्टी इजी किचन। आज मैंने बनाया ये सैंडविच ब्रेड और बनाया है ये गार्लिक ब्रेड। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले मैंने ये लिया एक बड़ा सा पैन, इसमें लिया है हम डालेंगे 1 कप गरम दूध और इसमें डाला 1 टीस्पून यीस्ट और हम डालेंगे यीस्ट के लिए 2 चम्मच शुगर, क्योंकि इसको इस फर्मेंट होने के लिए यीस्ट के लिए शुगर ज़रूरी है, आप सभी जानते होंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसको फर्मेंट होने के लिए इतना टाइम एटलीस्ट चाहिए होता है। तो फिर उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसीजर करेंगे। अब इसको कवर करके 10 मिनट बाद, 10 मिनट हो गए हैं, देखिए इसमें बबल्स आने लगे हैं, इस हमारी फर्मेंट होने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा और डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट और ये डाला हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ये डाली हमने 1/2 कप मिल्क पाउडर और इसको अच्छे से स्पून से ही पहले मिक्स कर लेंगे। जितना भी मिक्स हो जाए स्पून से, फिर हम इसको हाथ से अब नीट करेंगे, निमेटर मिक्स करेंगे डो को। अच्छा स्मूथ डो बनना चाहिए ब्रेड का, ज़रा सा भी टाइट नहीं होना चाहिए, सूखा लग रहा था इसलिए हमने इसमें गर्म पानी डाला है। गर्म पानी ही डालना है इसमें, ठंडा नहीं डालना है, गर्म करके डालें। तो हम इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से अभी नीट कर लेंगे, पूरा इकट्ठा कर लेंगे। तो अभी हमारा इकट्ठा होने लगेगा, हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे तेल, 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसमें भी डाला है और इसको अच्छे से नीट करेंगे। देखिए हाथ में से पूरा छूट भी जाया था हमारा तेल के बाद, स्मूथ हो जाएगा ये थोड़ा। ये देखिए हमारा डो करीब करीब रेडी हो गया है। अब हम इसको ऐसे ही कवर करके 2 से 3 घंटा के लिए रख देंगे, या जब तक ये डबल नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद चलिए फिर मिलते हैं। 2 से 3 घंटा हो गया है, देखिए हमारा डो रेज हो गया है, डबल हो गया है। अब हम इसको हाथ में तेल लगाएंगे, उसको पंच करेंगे, पूरा इसका एयर निकाल देंगे और इसको ऐसे डो को नीट करेंगे और हम इसको प्लेटफॉर्म पर डाल के करेंगे, डस्टिंग करेंगे सूखे मैदे से और अपना इसमें डो डालेंगे और ये बिन्स को रोलिंग रोलिंग कर करके अपने डो को नीट करेंगे। कट कर लेंगे आधा डो को, देखिए इसकी जाली लेयर देखिए। इस आधा का हमें गार्लिक ब्रेड बनाना है और आधे से हम बनाएंगे सैंडविच ब्रेड, तो इसलिए हमने आधा अलग कर दिया और आधे को ऐसे रोल कर करके हम साइडों से इसका तरफ से बन कर करके हम इसको ऐसे रोल करते रहेंगे अपनी ब्रेड के लिए। जो डो हम तैयार कर रहे हैं अलग से, इसको अच्छे से हथेली के जोर से ऐसे खींच खींच कर गूथेंगे हथेली के प्रेशर से, ताकि हमारे डो में अच्छी इलास्टिसिटी आ जाए। बस अब करीब करीब हम कम से कम 10 मिनट मैंने इसको नीट किया है, तो अब हमारा ये डो करीब करीब तैयार हो गया है। अब हम इस मैंने मोल्ड भी अपना रेडी कर लिया है ग्रीसिंग करके बटर पेपर लगा के, और अब हम इसको अपना मोल्ड में डाल के रखेंगे थोड़ा देर के लिए। इसको भी हमें रेस्ट देना है अभी कम से कम 1/2 घंटा से 1 घंटा भी हमको इसको रेस्ट देना है और ये रेस भी हो जाएगा, तब से हम अपनी गार्लिक ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। ये लिए मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन की, इसको हम क्रश कर लेंगे और अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे अपने गार्लिक को पूरे को। डाली हूँ मैं 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और डाला मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम सॉल्ट और डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून ऑयल। इसको सब अच्छे से मिक्स कर देंगे और मेरे पास थोड़ा सा रोज़मेरी था तो मैं इसमें थोड़ा सा ही रोज़मेरी क्रश करके डाल ली हूँ, ज़्यादा नहीं डालते, इसके फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए बहुत थोड़ा सा यूज़ करते हैं। और हम अपने गार्लिक ब्रेड की डो को बेल लेंगे, इसमें बेल के हम इसको पूरा स्प्रेड कर लेंगे, मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा पतला हमको नहीं करना है, उसे ऐसे पूरा फैला लेंगे। और हम इसका जो हमने मिक्सचर तैयार किया गार्लिक का, पूरी उस पर रोटी पर हम अपना तेल फैला देंगे अपने बेस पर और इसको एक साइड से रोल करना शुरू करेंगे। अब इसकी साइड सब पूरी बंद कर देंगे, जो भी खुली हुई है सब ऐसे हाथ से दबा दबा के, कहीं से भी खुला ना रहे।
और हम इसको भी रेडी हो गया, हम इसको भी रेस्ट देने के लिए एक घंटा आधा घंटा रख देंगे। फिर हम दोनों ब्रेड को अपनी देखिए रेस्ट देने के बाद मेरी ब्रेड ये कितनी तेज हो गई है, और ये है देखिए गार्लिक ब्रेड भी डबल हो गई है, और ओवन भी मेरा प्री हीट पर रखा हुआ है ऑलरेडी मैंने 160 डिग्री पर, जो मैं इसको मैं जिसपे बेक करूँगी। और पहले हम बिस्कुट मिल्क वॉश लगा देंगे और फिर हम इसको ओवन में डाल देंगे करीब 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट में या आधे घंटे में हमारी ब्रेड तैयार हो जाएगी और हम इसको अब डालेंगे। देखिए ओवन में मैंने डाल दिया दोनों ब्रेड को एक साथ ही 160 डिग्री पर, और अब ये 30 मिनट तक बेक होगी। ये देखिए हमारी ब्रेड तैयार हो गई है, बेक हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर आया, एकदम फाइन बाजार जैसे लग रही है देखने में। और देखिए ऐसे चेक करेंगे, इसमें एक साउंड आती है उससे पता चल जाता है कि हमारी ब्रेड अच्छे से पूरी पक गई है। अभी उसको टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर इसको डिमोल्ड करेंगे। ठंडी हुई है हमारी ब्रेड, हम इसको डिमोल्ड कर रहे हैं। बटर पेपर निकाल देंगे और अब हम देखिए चारों तरफ से कितनी अच्छे से हमारी ब्रेड सिकी है। अब हम इसको कट करेंगे, स्लाइस बनाएंगे इसके, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इसको कट करें। बहुत तेज़ एकदम से कट नहीं करना है, नहीं तो अभी ताज़ी ब्रेड है, गर्म भी है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, टूट जाएगी अगर आप इसको एकदम से काटेंगे तो। ये देखिए कितनी अच्छी ब्रेड बनी है हर तरफ से। ये थोड़ा साइज़ में छोटी है क्योंकि मेरा डो फुल ब्रेड के हिसाब से थोड़ा कम ही रह गया था तो, लेकिन वैसे बनी है एकदम परफेक्ट बाजार की जैसी, अंदर से वाइट एकदम ऊपर से ब्राउन आप देख सकते हैं, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है मेरी ब्रेड, एकदम सॉफ्ट ब्रेड बनी है हमारी। चलिए अब आप भी इसको ऐसे बनाइए, ब्रेड को ट्राई करिए ज़रूर हो घर पे कैसे बनती है। फिर मैंने मेथड बता दिया आपको पूरा, इसी मेथड से ट्राई करिए फिर कैसी बनी फिर मुझे बताइए। चलिए अब हम भी इसके बाद हमारी गार्लिक ब्रेड का भी देखते हैं कट करके। ये हमारी होगी देखिए लुक, देखिए सैंडविच ब्रेड का हमारी, ये देखिए कितना अच्छा एकदम से जाली वाइट अंदर से बाहर से ब्राउन। और ये है हमारी गार्लिक ब्रेड जो तैयार होगी, गार्लिक ब्रेड का लोफ। अब हम इसको भी कट करेंगे, स्लाइस बनाएंगे इसके, थोड़ा साइड से करके स्लाइस बनाएंगे। गार्लिक ब्रेड के स्लाइस ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए इसमें अंदर से पीलिंग भी दिखाई दे रही है इसकी गार्लिक की, और बाहर से कितना अच्छा से सिक गया हमारा ब्रेड। आप इसको चीज़ लगाकर मेयोनीज लगाकर फिर से सेक के वैसे खा सकते हैं, नहीं तो वैसे डायरेक्ट भी इसको खा सकते हैं, ऊपर से बटर लगा के खा लें, ये वैसे भी अच्छी लगती है, जैसे मर्जी आप इसको खाएं। तो ये हो गई है मेरी गार्लिक ब्रेड और सैंडविच ब्रेड, दोनों मैंने आपको साथ उसकी रेसिपी शेयर की है। अब आप लोग भी होपफुली आपको अच्छी लगेगी बनाएं, कैसी लगी फिर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।